sketch the region lying in the first quadrant and bounded by this. इसे ड्रॉ करो पहले. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बन गया. पहले पैराबोला ही बना लो, ऐसे बना लो, कुछ भी स्टैंडर्ड है. लिख देना वाई इज इक्वल टू 9x स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सेस मार्क कर दिया. वाई इज इक्वल टू 1 ये हो गया. चलो वाई इज इक्वल टू 1 ये 0.1 हो जाएगा. वाई इज इक्वल टू 4 ये हो गया. वाई इज इक्वल टू 4 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दिस यानी कि पैराबोला. एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 4 यही तो एरिया आएगा बस. मेरा चेक कर लो, वाई इक्वल टू 4 पैराबोला, वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, चारों से बाउंड हो रहा है. फाइंड एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन. एरिया देखो, इसमें वाई एक्सेस इंक्लूड हो रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एक्स टी वाई. जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लिमिट देंगी. कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी लिमिट में. अगर एक्स डी वाई फॉर्मूला लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लिमिट मिलेगी. वाई इक्वल टू 1 से वाई इक्वल टू 4, तो 1 से लेके 4 था. अब ये एक्स की वैल्यू निकाल लो. 9 इज वाई इज इक्वल टू 9x स्क्वायर था. एक्स की वैल्यू निकालो कितनी है, वाई अपॉन 9 का रूट है ना, तो 1 से लेके 4 तक रूट वाई अपॉन 3 डी वाई. 1/3 अलग कर दो, इंटीग्रेट कर लो. वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से लेके 4 तक 1/3, ये 2/3. 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये गलत कट गया, सही है ये 2/9. ठीक है, 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, तो 2 × 7 14/9 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है. ठीक है,